मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सी द ऑक्सीजन साइकिल, नेक्स्ट टॉपिक. ओके, ऑक्सीजन साइकिल मीन्स व्हाट? हाउ ऑक्सीजन इज मेंटेन इन आवर साइकिल, ओके, इन आवर नेचर, हाउ फ्रॉम एटमोसफियर वी ऑब्टेन इट एंड अगेन वी आर गेटिंग बैक टू द एटमोसफियर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द साइकिल देयर इज सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हाउ व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड हाउ इन विच फॉर्म इट इज अवेलेबल, इट इज देयर. ओके, इट्स अ वेरी अबंडेंट एलिमेंट इन आवर अर्थ. ओके, फाउंड इन 21% ऑफ ए एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज इन द एयर. ओके, 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद वो इसके बाद एज वेल एज इन द एयर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द क्रस्ट इज फाउंड एज. और जो भी अर्थ क्रस्ट है, सॉइल का लेयर, हम उसके अंदर से कितने सारे मेटल्स निकालते हैं. ठीक है, सिलिकॉन्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, कार्बोनेट्स मिलते हैं, दे ऑल आर सम हाउ रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव यू द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, सिलिकॉन एंड कार्बन. ओके, व्हाट इज ऑक्साइड्स? मीन्स कोई भी एक मेटल होगा, जैसे कि अगर बात करते हैं हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन व्हाट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, इट विल गिव यू वाटर, there is hydrogen oxide, dihydrogen oxide, I can say like that. Okay, so when anything reacts with the oxygen will give you something. If you can see that if hydrogen is there, oxygen not there, we won't have water right now with us. Okay, so this is the possibility that you can have it over here. So oxygen is not only for the metals, silicons or carbon. Elemental form mein to hai, sulfates, नाइट्रेट्स, ये सब केमिकल फॉर्म में अवेलेबल है नेचर के अंदर. ठीक है, अब हमारी बॉडी में हमें देखना है द एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी. क्लियर, इट इज द मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड फैट. हमारे बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट हैं ना, सारे के सारे ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं. ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? दिस इज हाउ द ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द अस एज ए लिविंग नेचर. ठीक है, अब ये हमारी बॉडी में काम कैसे करेगा और ये एटमोसफियर में काम कैसे करता है वो देखते हैं. डायरेक्ट साइकिल देखते हैं, एटमोसफियरिक ऑक्सीजन O2. ठीक है, सो सबसे पहले एटमोसफियरिक ऑक्सीजन O2 हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं. कैसे लेते हैं? सांस लेके, दैट इज रेस्पिरेशन. अभी आप लेते हो सांस तो आपको मिलेगा. ठीक है, रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या निकलता है उसमें से? दो चीज, व्हेन यू रेस्पायर देयर टू things always take out carbon dioxide along with carbon and some amount of water in the form of water vapor. ठीक है, तो रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है? प्लांट. प्लांट किस लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है, ये ग्लूकोज है, यानी प्लांट अपना खाना बनाता है. ठीक है, और जब ये खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो ग्लूकोज भी बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ऑक्सीजन कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर. अंडरस्टूड? ओके, और ये वाटर मॉलिक्यूल आल्सो यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट अगेन गोज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन वेयर दे रिलीज आफ्टर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है और बाय प्रोडक्ट में O2 निकलता है, दैट विल अगेन गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. फिर वापस हम लेते हैं, फिर वापस से हम यानी ये सभी एनिमल्स आ जाते हैं इसके अंदर. ठीक है, जो जो रेस्पिरेशन कर सकते बैक्टीरियाज वगैरह सब, CO2H2O निकलेगा, वो वापस प्लांट यूटिलाइज करेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ग्लूकोज बनाएगा और O2 रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर. अंडरस्टूड? क्लियर? आई थिंक द ऑक्सीजन साइकिल इज क्लियर टू यू. दिस इज व्हाट एक्सप्लेन हियर द फर्स्ट पैराग्राफ. ये इधर यही है कि इन दिस थ्री प्रोसेस नेमली कंबशन, रेस्पिरेशन, द फॉर्मेशन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज टर्न इन द एटमोसफेयर, ओनली वन मेजर प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस. कुछ भी होता हो, कंबशन होता हो, रेस्पिरेशन होता हो, कि ऑक्साइड्स फॉर्म होते हो, ठीक है, लेकिन नेचर में ऑक्सीजन सिर्फ एक ही तरीके से रिटर्न जाता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ही ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और नेचर में रिलीज करता है. ओके, नाउ दिस इज द आउटलाइन दैट यू गॉट ओवर हियर. नाउ सी, there are certain organisms which actually don't depend on oxygen to live. okay, this oxygen is being necessary for the life of process in the respiration. hamare liye to zaruri ho hi gaya hai, but some form of life, especially if you will see here,
यू विल सी बैक्टीरिया पॉइजन बाय एलिमेंटल ऑक्सीजन. देर आर सर्टन बैक्टीरिया विच परफॉर्म रेस्पिरेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो वैसे बैक्टीरियाज को अगर ऑक्सीजन मिलेगा ना तो दे विल गेट पॉइजन. ओके, तो उनको क्या अगर पॉइजनस लगेगा और वो मर जाएंगे. इवन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, तो वो टाइम पर भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए देता वहाँ पे. ठीक है, दिस इज सम बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स टू सम दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन. ओके, द फैक्ट इज क्लियर ओवर हियर अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. नाउ नेक्स्ट इज ओजोन लेयर. ठीक है, अब ओजोन लेयर अगर हम देखते हैं तो ओजोन लेयर में इफ यू विल सी वेट. ओके, नेक्स्ट ओजोन लेयर. ठीक है, ओजोन लेयर की अगर आप बात करते हैं तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का ही बना हुआ है, बट इट्स अ ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, ऑक्सीजन ओ, ओ टू मतलब डाई एटोमिक मॉलिक्यूल. देखो इधर, एक मिनट कहाँ लिखूं. दिस इज ओ फॉर ऑक्सीजन एज एलिमेंटल ऑक्सीजन, ओ टू फॉर डाई एटोमिक जो हमको एटमोसफियर में ओ टू फॉर्म में अवेलेबल होता है. ठीक है, नाउ व्हेन बोथ दिस कंबाइन दे विल गिव यू ओ थ्री एंड दैट ओ थ्री इज द ओजोन. ठीक है, विच इज वी इनहेल इफ सच काइंड ऑफ ऑक्सीजन ट्राई एटोमिक. ओके, इसलिए हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं या ये हमारे बॉडी में कैसे भी आ जाता है, इट मीन्स इट डेंजरस फॉर अस टू, इट इज़ लाइक अ पॉइजन टू आर लाइफ. ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर एटमोसफियर. ठीक है, ये हमारे एटमोसफियर का पार्ट नहीं है, ये एटमोसफियर के ऊपर के लेयर में होता है. ठीक है, तो ऑली देखो यहाँ पर एलिमेंटली ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में पाया जाए नॉर्मली एटम डायटोमिक फॉर्म. डायटोमिक फॉर्म यानी ओ टू, डाय मीन्स टू, टू एटॉमिक एटम्स यानी ऑक्सीजन के दो एटम, दैट इज ओ टू. क्लियर, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है. ठीक है, लेकिन ये ओ थ्री जो है ना वो एटमॉस्फेयर के ऊपर का लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ पे देखने को मिलते हो. ठीक है, ओ थ्री इज ओजोन, द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज ओ थ्री. ओके, अनलाइक नॉर्मल डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इट इज पॉइजनस एंड वी आर लकी दैट इज नॉट स्टेबल नियर टू द अर्थ सर्फेस. अर्थ सर्फेस के आसपास में ये इतना स्टेबल नहीं है ना, इसलिए वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में आपको मिलता है देखने को. जैसे कि ये अर्थ का सर्फेस, तो उसके काफ़ी ऊपर की लेयर आपको यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में आप देखोगे कि यहाँ पे ओजोन का लेयर होता है, लेयर ऑफ ओजोन. ठीक है, एंड नाउ व्हाट दिस लेयर्स ऑफ ओजोन डू इन द अर्थ. यहाँ पर क्या होता है, ओ टू यहाँ से जब जाता है ऊपर, ओ होता है और ओ टू. ठीक है, ओ टू विल ब्रेक डाउन इन टू टू ओ, वेट सी वॉट हैपन्स इन द स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन क्या करते हैं और क्या काम करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन. स्ट्रेटोस्फियर में ओ टू पहुंचा, इट विल ब्रेक डाउन इन टू टू सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओके, और ये सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक एक करके वापस दूसरा भी और ओ टू होगा, तो ये ओ इसके साथ कंबाइन होके ओ थ्री बनाएगा. ठीक है, ये वैसे ये ओ वैसे ही ये दूसरा ओ ओ टू के साथ कंबाइन करके ओ थ्री बना लेगा. ठीक है, सो इस तरह से ओ थ्री बनता जाएगा बार बार. ठीक है, लेकिन जब ओ थ्री बनता है ना, अब ये लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर का. ठीक है, अब जब यहाँ पे ओ टू से ओ थ्री बनेगा, सन रेडिएशंस जब आती हैं तो हमें पता है सन रेडिएशंस में यूवी रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं. ठीक है, तो जैसे ही सन रेडिएशन ये स्ट्रेटोस्फीयर को पास करेगी तो इसके अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं वो ये प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं. ठीक है, जब ओ टू से ओ थ्री बनेगा तब यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी और ओ थ्री बन जाएगा. ठीक है, तो यूवी रेडिएशंस क्या यहाँ अब्जॉर्ब हो गई तो अंदर हमारे अर्थ में जाएगी ही नहीं, और हमें क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाता है इससे, यूवी रेडिएशन से. ओके, सो दिस इज हाउ दिस ओ थ्री प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली.
और यही पर्पज़ है ओजोन लेयर का यहाँ पर, ठीक है। वापस से O3 टूट जाएगा अगेन O2 प्लस O में, वापस से वो O3 बनेगा, वापस से वो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन से एब्जॉर्ब करेगा, जब तक कि सनलाइट आती रहेगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, क्लियर। दिस इज वॉट ओजोन लेयर डू, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द डायरेक्ट अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। क्यों प्रोटेक्ट करना है ये? तो सन की रेडिएशन हम सोचेंगे इतनी हार्मफुल क्यों है, नहीं है हार्मफुल। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हार्मफुल है क्योंकि डायरेक्टली अगर हमारे कॉन्टैक्ट में आती है, इट कॉजेज स्किन कैंसर्स, आई कैटरेक्ट, ओके, दिस काइंड ऑफ कैंसर्स एंड कैटरेक्ट दे आर गोइंग टू कॉज अस, दैट्स वाई इट इज हार्मफुल, ठीक है। यूवी रेज जो बोलते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अभी व्हाट इज अ मैटर, व्हाट इज अ मैटर ओवर हियर अबाउट द ओजोन लेयर, कि ड्यू टू द रिलीज ऑफ due to the release of certain gases like CFC, HFCs, chlorofluorocarbon, hexafluorocarbon, ठीक है, ये सारे जो gases है ना, ये release तो हो गए, कहाँ से release होते हैं? तो refrigerator से, AC से, ऐसी जगह से निकलते हैं gases, refrigerator और AC से, ये कूलेंट की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये कूलेंट जो जब निकलती हैं इन गैसेस बाहर, इनके अंदर से, दे रीचेस टू दी ऑक्सीजन ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर तक पहुंचती हैं CFCs और HFCs। और करते क्या हैं कि जो O2 O3 बनाने वाला होता है, तो ये क्या करते हैं, ये O2 के साथ ये खुद कंबाइन कर लेते, इसको नहीं कंबाइन करने देते, तो O3 बनेगा नहीं, ठीक है। अब जो ये जगह पर अगर O3 बनता था और यहाँ नहीं बनेगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही ये एसेप्सिस करते तो मतलब जगह क्या होगी, धीरे धीरे खाली बनती जाएगी, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल होल इन दी ओजोन लेयर, व्हाट वी कॉल होल इन दी ओजोन लेयर। अब जहाँ पर होल हो गया वहाँ से सन रेज डायरेक्टली निकल जाएंगी, यूवी रेडिएशंस भी डायरेक्टली अर्थ पर एंटर करेगी, क्योंकि वहाँ O3 है ही नहीं ना, उसको अब्जॉर्ब, वहाँ बने नहीं रहा है तो अब्जॉर्ब कौन करेगा, ठीक है। सो इट विल डायरेक्टली एंटर टू द अर्थ सरफेस, द यूवी रेडिएशंस। सो होल इन द ओजोन लेयर इज अ मैटर ऑफ टेंशन, ठीक है। ये प्रॉब्लमेटिक बात है कि अगर ओजोन लेयर धीरे 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 बढ़ता जाता है, सॉरी, ओजोन में होल अगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली डायरेक्ट सनलाइट तो अर्थ पे आएगी, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ जाएगी। सो व्हाट गवर्नमेंट हैज डिड, गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ दिस गैसेस। CFCs एंड HFCs को बैन कर दिया, CFCs एंड HFCs को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ठीक है। इसकी जगह पे दूसरे कूलेंट्स यूज करने लगे, रेफ्रिजरेटर, तो अब पहले जो बहुत पुराने जो AC और ये सब रहते थे उसमें आता था, बट अब इसमें ऐसे गैसेस नहीं होते जो हमारे ओजोन लेयर को कम करें, ठीक है। सो इन द फैक्ट ऑफ यूजिंग दैट थिंग्स, अब यहाँ पे इनको बैन करने के बाद दूसरी चीजें यूज करने लगे, सो नाउ वी आर सीइंग दैट द ओजोन, the healing of ozone layer, you see, we will see the healing of ozone layer now. अभी जो holes हो गए थे ना बड़े बड़े, अब वो देखने को मिलते नहीं है, ठीक है, अब वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमने बैन कर दिया ना वो गैसेस को, CFCs को, तब ओजोन लेयर बनता है और ये कम होने लगा है, ठीक है। सो ओजोन लेयर अब कम हो रहा है, ओके, कैन सी ओवर हियर राइट नाउ। तो पहले तो ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, O3, वेयर इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर लेयर, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन, विच हार्मफुल रेडिएशन, दैट इज यूवी रेडिएशन, ये बहुत याद रखने की जरूरत है, यूवी रेडिएशन वो तो याद ही रखना, ठीक है। नाउ रिसेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दिस ओजोन लेयर वॉज गेटिंग डिप्लीटेड, डिप्लीटेड यानी कि धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द CFCs, यहाँ पे HFC का नाम नहीं दिया है लेकिन आप HFCs भी लिख सकते हो,
दिस क्लोरीन एंड फ्लोरीन विच आर वेरी स्टेबल एंड नॉट डिग्रेडेड बाई एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते यानी डिकम्पोज या तोड़ नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं ओके और एटमोसफियर में बने रहते हैं. Once they reach the ozone layer, they would react with the ozone molecule and this result in the reduction of the ozone layer and they recently have discovered the hole in the ozone layer above the Antarctica. ठीक है, अब उन्होंने क्या discovered किया है कि Antarctica region में देखा गया है कि ये ozone layer में hole हो गया है. ठीक है, now if the ozone layer dwindles further, many people think it would be better not to take chance. These people advocate working towards the स्टॉपिंग ऑफ द डैमेज टू द ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर का डैमेज को स्टॉप करने के लिए दैट वी हैव टू फर्दर वर्क. सी द इमेजेस, 1980 की है छोटा सा होल है, 1985 की है होल बड़ा होता जा रहा है, 1990 में और बड़ा हो गया. नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. उसके बाद क्या करेंगे, इस गैसेस को बैन कर दिया गया. ओके, शॉर्ट नोट आती है, write a short note on the depletion of ozone layer, that at the time you have to write the whole thing about what kind of things made the depletion in the ozone layer. Okay, now abhi recent discovery hai ki healing ho raha hai ozone layer ka. Theek hai, this ozone layer is getting healed, so wo healing kaise ho raha hai, kya ho raha hai, you have to find out. Okay, clear? So with this the chapter is over. Okay, any doubt you can ask me, and you have to write the textual exercise in your notebook by yourself. Nobody is going to give you the answer, try to find it by yourself and write it down. Okay, there are 6 questions in the textual book, aur jo extra questions jo maine likhne ke liye diye wo bhi likhne hai, sare cycles bhi sare draw karni hai, labeling ke sath karni hai. Theek hai, only textual exercise ke basis pe nahi baithna hai, chapter ke andar se bhi questions taiyar honge, 1 mark wale bhi, 2 mark wale bhi, 3 mark wale bhi, 4 mark wale bhi. Okay, don't be dependent on textual exercise questions, prepare yourself for the internals also. Okay, I think if you have any doubt you can ask me. With this, the chapter is over. Clear? Goodbye.